सीसीटीवी में कैद मूसा वाले के हत्यारे। कौन है ये दो संदिग्ध जो सीसीटीवी में कैद हुए? बिश्नोई की बातों को सुनकर आईबी के होश क्यों फाकता हो गए? आखिर भारत में किसने की AN-94 की सप्लाई? क्या वाकई में इस सीसीटीवी में कैद हुए ये शख्स ही मूसा वाले के कातिल हैं? दावे किए जा रहे हैं सीसीटीवी वीडियो में ही मूसा वाले के ये हत्यारे तब कैमरे में कैद हुए जब वो पेट्रोल पंप पर रुके थे। जो एक बलैरो कार में सवार दिखाई देते हैं, वही बलैरो कार जो वारदात के दिन दिखाई दी थी, जिसका इस्तेमाल मूसा वाले की हत्या में हुआ था। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी जैसे ही बुलेरो की तरफ पड़ता है तो एक लाल शर्ट पहने शख्स बाहर आता है, फिर अगले ही पल सफेद शर्ट पहने एक और शख्स गाड़ी से बाहर निकलता है, फिर तीसरा शख्स साइड से निकलकर बाहर आता है। हालांकि सीसीटीवी में कैद किसी भी शख्स के पास कोई हथियार नहीं दिखता। बताया जा रहा है कि वारदात वाली जगह से ये महज 76 किलोमीटर दूर हरियाणा के फतियाबाद का ये वीडियो है। वीडियो में दिख रहा एक आरोपी सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर बताया जा रहा है, जिसका नाम पर्वत फौजी है, दूसरा जाटी गैंगस्टर है। अब माना यह जा रहा है कि सीसीटीवी के जरिए पुलिस कड़ी दर कड़ी खोजने में छूट गई है। तो वहीं जेल में कैद मूसा वाले के कत्ल के बाद से ही पुलिस की रडार पर आया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी आईबी को सकते में डाल दिया। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि पलटी बाज लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि उसने इस हत्या को खुद ही अंजाम नहीं दिया, लेकिन इस हत्या के पीछे उसके गैंग का पूरा हाथ हो सकता है। उसकी वजह कुछ और नहीं, बदले की आग है। आखिर वो कौन सा बदला जो वो बदला? बताया जा रहा है विक्की मंडुखेड़ा का, जो कि बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड था। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा खुलासा किया जिससे पूरी आईबी सकते में आ गई, क्योंकि इस वारदात में इस्तेमाल हुए AN-94 जैसे हथियार कहां से आए, ये भी सवाल बना हुआ है। आखिर कैसे हमलावरों के पास पहुंचे इतने बड़े हथियार? इसकी बात सुनकर खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में बताया जा रहा है, ये सिर्फ दुनिया के एक ही देश के पास है, जिसे रूस की आर्मी इस्तेमाल करती है। चलिए आपको बताते हैं क्या बला है AN-94। AN-94 बनाए जाने में ही लगभग 14 साल का समय लग गया। आपको बता दें कि AN-94 रूस की आर्मी के पास ही है, जबकि अब रूस की आर्मी पहले AK-74 चलाती थी। आपको जानकर हैरत होगी कि इसको बनाने की लागत इतनी ज्यादा है कि सामान्य देश तो बना ही नहीं सकता। इसमें एक मिनट में 1800 गोलियां निकलती हैं। ये बंदूक AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि AK-47 की स्पीड 715 मीटर के आसपास की होती है, जबकि इस बंदूक की 900 से भी ऊपर है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक बताई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमलावरों के पास ये हथियार पहुंचे तो पहुंचे कैसे? इसमें पंजाब पुलिस ने भारत के साथ साथ दुनिया की खुफिया तंत्र को भी हैरत में डाल दिया। वहीं खुलासों के बीच एक खुलासा ये भी हुआ कि गोल्डी बरार के चचेरे भाई की हत्या का कनेक्शन भी जाने अनजाने मूसा वाले से बताया जा रहा था। यानी बिश्नोई सीधे तौर पर इस मौत का जिम्मेदार नहीं, लेकिन मामला उसके ग्रुप के उसके खास दोस्त गोल्डी बरार से जुड़ा हुआ है। तो बिश्नोई पर शक की सुई घूमना वाजिब है, क्योंकि बिश्नोई के इसी खुलासे से पहले ही कनाडा में बैठे उसके दोस्त गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वहीं एक नया नाम भी निकल कर सामने आया है जिसका जिक्र बिश्नोई ने किया है, और वो है सचिन बिश्नोई। आपको बता दें कि इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने SIT का भी गठन किया है, जिसने 5 गैंगस्टर को अपनी गिरफ्त में लिया है। खबर ये भी है कि हत्या से पहले ये सभी कई दिनों से बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार के संपर्क में थे। पुलिस ने भटिंडा जेल से मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू को अपनी गिरफ्त में लिया है, फिरोजपुर जेल से शरद और देहरादून जेल से मनप्रीत सिंह उर्फ सुखपाल को, और अमृतसर से सराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सराज पर यह भी आरोप है कि उसने इस वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ियों का बंदोबस्त करवाया था। इसके साथ उत्तराखंड से 3 संदिग्धों को हिरासत में लेने की खबर आई है। इन पर हथियार सप्लाई करने के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द
मूसा वाले के अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और एक बड़ा खुलासा जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।